हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू गोभी मटर छीमी बैंगन की सब्जी, जो आप घर पर कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे घर में सब्जी बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने सब्जी को सारे कट कर लिए हैं, कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब मैं गैस ऑन करूँगी। हमारा सरसों का तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि गर्म तेल में अगर किसी भी चीज़ का फोरन डालते हैं तो सब्जी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। उसके बाद हम इसमें जीरा डाल लेंगे। जीरा हमारा काफ़ी अच्छे से चटक गया है। उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। मैं कभी भी अपनी सब्जी में पहले ही लहसुन का उपयोग करती हूँ, क्योंकि मैं सब्जी में कभी ज़्यादा लहसुन या मसाला का प्रयोग ज़्यादा नहीं करती कि सब्जी। देख सकते हैं कि मैंने सब्जी में लहसुन हरी मिर्च डाल दी है। अब मैं प्याज डाल के इसे भूनूंगी। अब देख सकते हैं कि हमारी प्याज काफी अच्छे से भून गई है। मैं अब इसमें अपनी कटी हुई सब्जी डाल दूंगी। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच में पकाऊंगी। जब तक हमारी सब्जी यहाँ भून रही है, तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाला निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला मैंने सब चीज़ निकाल लिया है पहले से ही। देख सकते हैं कि हमारी सब्जी काफ़ी अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो दो भी टमाटर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कितने टमाटर यूज डाल सकते हैं, आपको कितनी खट्टी सब्जी चाहिए। हमारी सब्जी बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें आप अपने अनुसार पानी भी ऐड कर सकते हैं, या इस तरीका से भी खा सकते हैं धनिया पत्ता डाल के। लेकिन मैं इसमें थोड़े से पानी ऐड करूंगी। देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सब्जी आपको कैसी लगी आप कमेंट मुझे जरूर बताएं। जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, कॉमेंट करें, लाइक करें। मैं आपको कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।